नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप पूरे परिवार के साथ टीवी 9 भारतवर्ष पर 9 बजे का न्यूज शो देख रहे होंगे और 9 बड़ी खबरों के साथ ही करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां राजकोट अग्निकांड के बाद एक्शन में है गुजरात सरकार। पुलिस कमिश्नर समेत 6 आला ऑफिसर्स का तबादला। तीनों आरोपियों को 14 दिन की पुलिस की रिमांड पर भेजा गया। दूसरी बड़ी खबर, जहां दिल्ली में बेबी केयर अग्निकांड का बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग की टीम ने अस्पताल का दौरा कर खामियों को चिन्हित भी किया है। कोर्ट ने केस के आरोपियों को 30 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा। तीसरी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में रिमल तूफान से 4 लोगों की मौत। 2 लाख लोग राहत शिविर में भेजे गए। मौसम विभाग ने कल भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और कर्नाटक यौन शोषण केस में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की वीडियो जारी कर सफाई। 31 मई को सुबह 10 बजे एसआईटी के सामने पेश होऊंगा। मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई है। स्वाति मालीवाल मारपीट केस के आरोपी विभव कुमार को झटका। 30 हजारी कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे विभव कुमार। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होगी टीएमसी। ममता ने कहा, मैं वहां ना रहूं लेकिन मेरा दिल वहीं रहेगा। 1 जून को वोटिंग के आखिरी दिन इंडिया गठबंधन ने बैठक बुलाई है। अरविंद केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की अपील। गंभीर बीमारी की आशंका जताई। पारा एथलीट चैंपियनशिप के विजेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 17 मेडल जीते हैं। पारा एथलीट्स के उत्कृष्ट प्रदर्शन से बहुत प्रसन्न। नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी। सैटेलाइट की सूचना देकर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। जापान ने नागरिकों को शेल्टर में जाने को कहा है। और ब्रेकिंग न्यूज के बाद आपको अब हम बताते हैं आज आपके लिए कौन कौन सी खास खबरें हैं, क्योंकि बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। जहां पहली खबर, राफा बॉर्डर पर इजराइल और मिस्र सैनिकों के बीच गोलीबारी। क्या अरब में एक और जंग छिड़ने वाली है? वहीं दूसरी खबर, बाल्टिक देशों ने रूस के खिलाफ अब सेना उतारने का ऐलान कर दिया है। क्या क्रेमलिन की नई मुसीबत ऑपरेशन कैलिनिंग्राद बनेगा? तीसरी खबर, पुणे दिल्ली राजकोट, क्या मुर्दा सिस्टम ने ले ली 37 लोगों की जान? चौथी बड़ी खबर, केजरीवाल बीमार, इस पर दिल्ली में सियासत गर्म क्यों है? पांचवी खबर, राजस्थान एमपी में ट्रांसफार्मर के आगे कूलर क्यों लगाने पड़े? और गर्मी में पारा कहां पहुंचा, 50 डिग्री के पार। बड़ी खबर के साथ अब शुरुआत करेंगे, क्योंकि गाजा में राफा बॉर्डर से बहुत बड़ी खबर है। इसराइल मिस्र में छिड़ सकती है नई जंग। अब इसराइल मिस्र सैनिकों के बीच गोलीबारी को लेकर खबर है। गोलीबारी में मिस्र के 2 सैनिकों की मौत हुई है। तो नई जंग को देखते हुए बड़े दावे किए जा रहे हैं और बड़ी खबर यही है कि अब इसराइल और मिस्र में नई जंग छिड़ सकती है। इसराइल मिस्र सैनिकों के बीच गोलीबारी की तस्वीरें सामने आई, जहां इस गोलीबारी में मिस्र के 2 सैनिकों की मौत। राफा बॉर्डर पर दोनों सेनाओं के बीच गोलीबारी। आपको बता दें, मिस्र की सेना को मनाने में जुटा है इजराइल। बड़ी खबर है, सैनिक की मौत का बदला जरूर लेंगे, मिस्र की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। लेकिन अब आईडीएफ की तरफ से यह साफ तौर पर भी बताया गया कि कैसे राफा बॉर्डर पर दोनों सेनाओं के बीच गोलीबारी हुई है और मिस्र की सेना को मनाने में अब इजराइल जुट गया है। मिस्र और इजराइल के बीच तनाव युद्ध स्तर पर पहुंच चुका है और इसकी वजह राफा है। वही राफा जहां पर इजराइल की वायु सेना ने भीषण हमले किए हैं। फिलिस्तीन सरकार का दावा यह है कि इजराइल की वायु सेना के नए हमले में 45 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। इनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। हालांकि सवाल कई हैं, क्योंकि जिस तरीके से भयंकर हालात बने हुए हैं, उसी के तहत देखना यह होगा कि आखिर इस हालात से निपटने के तहत क्या किसी तरीके से बातचीत संभव हो पाएगी। हालांकि हकीकत राफा की इस वक्त यही नजर आ रही है कि किस तरीके से आईडीएफ की तरफ से मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी हकीकत यह कि उसी राफा में मौजूद रहते हुए अब हमास ने भी तेल अवीव तक हमले को अंजाम दे दिया है। लेकिन इस वक्त के हालात जो बने हुए हैं, गाजा में भयंकर अकाल के बीच निर्दोष लोगों का कत्लेआम क्यों, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इसराइल हमास से बदला ले रहा है या मासूम बच्चों से? इसराइल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले की परवाह आखिर क्यों नहीं है? क्या ऐसे हमले इजरायली बंधकों की रिहाई में बाधा नहीं बनेंगे? और गाजा में शांति कब लौटेगी, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि यह बारूदी विनाश कब रुकेगा कोई नहीं जानता। यस यस, हादा अल मुहय्यम
ऐसा लग रहा है मानो गाजा में फिर से वही खौफनाक दौर लौट आया हो। क्या उत्तरी गाजा, क्या खान यूनिस और क्या दक्षिणी गाजा का राफा, इसराइल का खूनी इंतकाम हर जगह विनाश ला रहा है। ये नया हमला उत्तरी गाजा के जबालिया में हुआ, जहां हमास के हेडक्वार्टर पर अटैक का दावा किया गया। इस दावे के चक्कर में 80% इमारतें तबाह हो गई। सबसे ज्यादा तबाही राफा में मची। यहां रात में हुई एयर स्ट्राइक के बाद फिलिस्तीन के स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया कि इस हमले में 45 से अधिक निर्दोष लोग मारे गए। राफा से मासूम बच्चों के मारे जाने के कुछ खौफनाक वीडियो ऐसे भी वायरल हुए जिन्हें हम दिखा नहीं सकते, लेकिन इसराइल की सेना का दावा है कि उसने इस हमले में सिर्फ हमास को नुकसान पहुंचाया। गाजा के जुडिया और समारिया में हमास के चीफ ऑफ स्टाफ यासिन राबिया और एक इंटरनेशनल हमास लीडर खालिद नागर को मार गिराया गया। इसराइल की सेना ने यह भी जानकारी दी कि रविवार को गाजा पट्टी में हुए हमले में हमास के 75 ठिकाने नष्ट किए गए। इसमें हथियार डिपो, रॉकेट लॉन्चर साइट और ऑब्जर्वेशन पोस्ट शामिल हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि ये इस हमले का पूरा सच नहीं है, इसीलिए पूरे विश्व में राफा पर इसराइल के इस विनाशकारी हमले के बाद हंगामा मच गया। कतर को चेतावनी देनी पड़ी कि इसराइल ने जिस तरह से रात भर राफा में तबाही मचाई है, उससे संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते के लिए नए सिरे से हो रहे मध्यस्थता के प्रयासों में बाधा आ सकती है। कतर की इस धमकी के बाद इसराइल के टॉप मिलिट्री प्रोसिक्यूटर मेजर जनरल येफुत तोमेर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ी कि राफा में उच्च स्तर पर इजरायली आर्म फोर्सेस के हमले की जांच की जा रही है। लेकिन यहां सवाल इजरायल की जिद का है, जिसके कारण अकाल की नौबत झेल रहे गाजा के निर्दोष लोगों का नरसंहार हो रहा है। क्या इजरायल को 3 दिन पहले दिए गए आईसीजे के फैसले की भी परवाह नहीं है? आईसीजे ने शुक्रवार को कहा था कि इजरायल को राफा में अपना सैन्य अभियान तुरंत रोकना चाहिए, जिसके जवाब में इसराइल ने कहा था कि गाजा में हमास के उन आतंकवादियों को टारगेट करने के लिए है जिन्होंने 7 अक्टूबर को इसराइल को दहलाया था। तो इसके बाद इसराइल को बताना चाहिए कि राफा में जो 45 निर्दोष लोग मारे गए, क्या वो सभी 7 अक्टूबर के हमले में शामिल थे? राफा में इसराइल को अटैक का बहाना कहां से मिला, ये भी समझिए। हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने एक दिन पहले ही तेल अवीव पर कई रॉकेट की बरसात कर दी थी। हमास की ओर से 5 महीने बाद तेल अवीव पर भीषण हमला किया गया। इसराइल ने हमास के इस हमले को नाकाम करने का दावा किया, लेकिन इसी के बाद राफा में जवाबी हमले के बाद दुनिया ने वहां से कलेजा चीर देने वाली चीख पुकार सुनी। राफा में इजरायली हमले से सिर्फ कतर नाराज नहीं हुआ, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसराइल को बर्बर कहा। हमास ने बंधकों की रिहाई पर जारी बातचीत रोकने की धमकी दी, लेकिन इसराइल पर शायद ही कोई असर पड़ा हो। उसे लगता है कि गाजा में ऐसे हमलों से ही हमास का अंत होगा, और हमास का सच ये है कि वो इतने हमलों के बाद भी टूटा बिखरा नहीं है। गाजा के अलावा वेस्ट बैंक से भी इसराइल को कड़ी चुनौती पेश की गई। गाजा में, खासकर राफा में, हमास के स्नाइपर्स इमारतों से घात लगाकर खुले में दिख रहे इजरायली सैनिकों को टारगेट कर रहे हैं। गाजा में इजरायल के टैंक हमास के रॉकेट लॉन्चर्स के निशाने पर रहते हैं। चुन चुन कर इजरायली टैंकों को निस्तनाबूद किया जा रहा है। हालांकि इस नुकसान की जानकारी IDF की ओर से नहीं दी जा रही है। वहीं वेस्ट बैंक में क्या हालात हैं, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसराइल पर वेस्ट बैंक से रॉकेट हमला हुआ। अलक्सा ब्रिगेड ने विध्वंसक अटैक किया। मैगन बेस पर 107 मिलीमीटर रॉकेटों की बौछार की गई। IDF को भारी नुकसान का दावा किया गया। वेस्ट बैंक के तुलकर्म में हमास और इजरायली फोर्स के बीच सड़क पर खुली जंग हुई। हमास के समर्थक लड़ाके इजरायली सैनिकों के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते देखे। वेस्ट बैंक के जेनिन में भी हालात खौफनाक थे। यहां इजरायली डिफेंस फोर्स ने ग्राउंड ऑपरेशन चलाया। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया गया। गाजा और वेस्ट बैंक से आई ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हमास दोनों छोर पर अभी जिंदा है। वो युद्ध के 234 दिन बाद भी इसराइल के लिए चैलेंज पेश कर रहा है।
और मैसेज यही देने की कोशिश है कि इसराइल इतनी आसानी से जंग नहीं जीत सकता।